अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक बैठक हुई है, जहां बोर्ड की मीटिंग में 7 में से 6 सदस्यों ने रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल करने की बात कही। एक सदस्य ने इसका विरोध किया है। वहीं बहुमत में फैसला लिया गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल करेगा। हालांकि इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन ली जाएगी या नहीं। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहां पर साफ कर दिया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी। लेकिन फिलहाल सुन्नी वक्फ बोर्ड की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, सीधे ले चलते हैं। अभी नहीं, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं। जी ब्रॉडली आप यही सही कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद अभी भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में, आज बाबरी मस्जिद देखिए हमारे पास जो भी वक्फ दर्ज है आज की डेट में वो भी सब दर्ज है। कोई अगर कौन सा तो जो अभी तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसके जरिए फैसला लिया यहां पर गया है कि जो रिव्यू पिटीशन को लेकर जिक्र कहा जा रहा था, फिलहाल रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी। ये फैसला 7 में से 6 सदस्यों ने लिया है। हालांकि इसके विरोध में सिर्फ एक सदस्य का यहां पर यह कहना था कि रिव्यू पिटीशन पर जोर दिया जा सकता है, दाखिल की जा सकती है। लेकिन बैठक में ये साफ अब हो गया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी। और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की जा रही थी, बताया जा रहा था यहां पर कि किस तरह से जो फैसला है वो लिया गया है। हालांकि 5 एकड़ की जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन जो है वो अयोध्या में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, तो इस पर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो जमीन ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, और अगर ली जाएगी तो कहां ली जाएगी। तो पुनर्विचार याचिका सुन्नी वक्फ बोर्ड दाखिल नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं इस हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि 5 एकड़ जमीन पर फैसला जो है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि जमीन लेगी या नहीं लेगी। लेकिन कुछ कुछ हद तक यहां पर कहा जा रहा है कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले ही, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहां पर रहे, उनकी तरफ से जमीन को लेकर यहां पर कहा गया है कि हो सकता है जमीन यहां पर ली जाए। तो पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहां पर जो बैठक कई दिनों पहले की गई थी उसमें तय किया गया था कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह अलग फैसला जहां पर 7 सदस्य, इन 7ों में से 6 सदस्यों ने यहां पर हामी भरी है कि हम बिल्कुल भी रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर फैसला दिया है, लेकिन जमीन लेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक फाइनल हो चुका है। तो बैठक ये हुई है और उस बैठक की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले ही यहां पर हुई थी, तो इसमें ये विचार कर लिया गया है कहीं ना कहीं। तो 9 नवंबर को ये फैसला आया था अयोध्या विवाद का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि न्यास को यहां पर हक दिया, मालिकाना हक दिया, और ऐसे में मस्जिद को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहा कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन यहां पर बनाई जाए और उसको लेकर आयोग भी बनाया जाए। तो जमीन लेगी या नहीं लेगी ये फैसला कहीं ना कहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के दे दिया था, लेकिन अब ये साफ इस बैठक में कि 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड लेगा।